दोस्तों, संध्या विश किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आज हम नान खटाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए हम सामग्री देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगती है। मैदा 1 कटोरी, सूजी, बेसन, घी, काजू, पिस्ता, दूध और शुगर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हम इसमें पहले घी डालेंगे, डाल देंगे शुगर, पीसी हुई शुगर है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल चाहे तो हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या चम्मच से इस तरह से उसको चलाते रहिए बराबर से, जब तक पूरा सफ़ेद नहीं हो जाए, पूरा बिल्कुल अच्छे से चिकना नहीं हो जाए। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं इसको इस तरीके से मलते हुए, और इसी तरह से इसको खोलना है बराबर से बिल्कुल, ताकि बिल्कुल पूरा चिकना हो जाए और सफ़ेद दिखने लगे। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, मैदा थोड़ा थोड़ा डाल करके और इसको इस तरह से मिला देंगे, ताकि बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़े। ये हमने पूरा इसमें मैदा डाल दिया है जितना रखा था। अब इसमें डालेंगे सूजी, थोड़ी सी सूजी ली है, और थोड़ा सा बेसन, सबको डाल देंगे और इस तरीके से बढ़िया मिक्स कर देंगे, इससे आटे की डो की तरह बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ये हमारा वो बर्तन छोटा पड़ रहा था, उसमें अच्छे से नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसको थाली में डाल लिया है। और इसमें डालेंगे काजू, काजू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है नान खटाई में, इसलिए काजू अगर आपके पास है तो काजू जरूर डाल दीजिए। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये देखिए बहुत ही कम है, एकदम छोटे चम्मच में भी एकदम 1/4 है, ज़्यादा नहीं है, ताकि इससे नान खटाई भी फूलती है। ये देखिए ये हमारा जो लग करके तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, हाथ में घी लगाएंगे और इसमें घी लगा के और इसको ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक ये फूल रहा है, जब तक हम गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है नमक और इस तरीके से बराबर से फैला दिया है, करके चेक करेंगे। 10 मिनट हो गया है, ये अच्छे से फूल गया है, ये देखिए अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे, इतना नींबू के साइज के लिए तोड़ेंगे, उससे आप अपने हिसाब से तोड़ सकती हैं, इतना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से, और इस तरीके से इसको दबाएंगे और ऐसे गोल गोल करके ऐसे चपटा करेंगे, और इसी तरह हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर हमारा नमक भी गर्म हो रहा है कढ़ाई, जब तक हम इसी तरह से सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी लोइयाँ बन करके तैयार हो गई है, सारी नान खटाई हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें पिस्ता लगाएंगे इस तरीके से, आप चाहे तो काजू या बादाम ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारी नान खटाई में हमने पूरे अच्छे से पिस्ते लगा दिए हैं। अब चलिए एक प्लेट को हम चिकना करेंगे, ये हम इस प्लेट में भी लगा करके इसको चिकना कर दिए हैं, और ये अपनी नान खटाई को इसमें रख देंगे। ये देखिए इसमें सारी नान खटाई हमने रख करके तैयार कर दी है, थोड़ा थोड़ा गैप रखा है क्योंकि अभी ये फूलेगी। अब चलिए हम इसको कढ़ाई में रखते हैं। अब इसमें स्टैंड रखेंगे और गैस को बिल्कुल मंदी ही रखेंगे, और इसमें ये अपने प्लेट में जो हमने तैयार करके रखा है इसको रख देंगे बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। इसको इस तरीके से एक बर्तन से ढक देंगे, ताकि बिल्कुल इसकी हवा नहीं निकले। गैस को करेंगे बंद और इसे खोल करके चेक करेंगे। इसके पहले हमने 2-3 बार इसे और खोल खोल करके चेक कर लिया था, ये पक चुकी है। इसको पकने में कम से कम 15 मिनट लगे हैं। ये देखिए अब हम इसको निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारी नान खटाई पूरी अच्छे से पक चुकी है, ये हम तोड़ करके दिखा देंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी बनी है और बहुत पूरी पक गई है। इसको अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ता है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं।